अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जो लोग वॉच टाइम के नाम पर धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम हो रहा है बहुत ज़्यादा, उनके लिए ये स्पेशली वीडियो। एंड में मैं बताऊँगी कि वॉच टाइम के नाम पर एक आईडी है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रही है, लोगों से पैसे लेकर उनको ब्लॉक कर देती है और कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। उसका नंबर, उसकी आईडी में एंड की वीडियो में आप लोगों को लाजमी बताऊंगी। प्लीज़ उस आईडी को रिपोर्ट करना है, नंबर को रिपोर्ट करना है और ऐसे स्कैम होने से बचना है। तो एंड तक आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी डिटेल बताने वाली हूँ। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि जो लोग यूट्यूब पर अर्निंग करने के लिए आए हैं और जिनके वॉच टाइम कम्प्लीट नहीं होते हैं और वो बाय करना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत से पाकिस्तानी इंडियंस दोनों ही बैठे हुए हैं जो आपको कहते हैं कि आप वॉच टाइम हम आपका करवा कर देंगे। अभी तक इंडियन का तो मुझे नहीं पता कि किया है किसी ने फ्रॉड या नहीं, लेकिन पाकिस्तानी का मैं ज़रूर बता सकती हूँ कि एक पाकिस्तानी, एक नहीं ऐसे हज़ार होंगे बिल्कुल, एक पाकिस्तानी आईडी है, पाकिस्तान का ही नंबर है वो, जो बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। 3000 वॉच टाइम के अलग पैसे चार्ज करते हैं, 4000 के अलग चार्ज करते हैं, इस तरह करके लोगों से पहले पैसे ले लेते हैं, कोई लोग पूरे पैसे दे देते हैं तब उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, कोई आधे देते हैं तब भी उनको ब्लॉक कर दिया जा रहा है। और ये ज़्यादातर आई थिंक सो के पाकिस्तानी कर रहे हैं। वैसे तो वॉच टाइम इंक्रीज करवाने का काम पाकिस्तानी इंडियंस दोनों ही यूट्यूब पर जो है पोस्टिंग कर रहे होते हैं, यूट्यूब के वॉच टाइम ग्रुप्स वगैरह में, लेकिन जहाँ तक मेरा भी एक्सपीरियंस जो गुज़रा है, जो मुझे पता चला है, वो अभी किसी पाकिस्तानी ने किया है। एक लड़की के नाम की आईडी है उसकी, उसका नंबर भी है, उसका इजी पैसा जस्ट कैश अकाउंट है हीरो के नाम से, और उसने जो है लोगों से पैसे ले रहा है, कभी आधे लेता है कोई तो उसके साथ भी फ्रॉड कर रहा है, कोई पूरे दे दे रहा है तो उसके साथ भी फ्रॉड कर रहा है। इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म और हया बिल्कुल नहीं आती, इन लोगों को खुदा का खौफ नहीं होता। कि बहुत से लोग, कुछ लोग अपने शौक से आते हैं यूट्यूब पे, कुछ लोग जो है जिनके पास कोई रोज़गारी का मसाइल नहीं होता तो इसकी वजह से हल नहीं होता, तो इसकी वजह से आते हैं कि अपने मसले हम हल करें। उन बेचारों के अगर वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होते हैं तो वो बेचारे फिर इन द एंड पैसों के चक्कर में जाते हैं कि पैसे देकर हम अपना वॉच टाइम एटलीस्ट पूरा करवा लें। वो ऐसे लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती जो बेचारे इन लोगों के साथ भी धोखा करते हैं, जो बेचारे मजबूरी में फेसबुक पर, वो यूट्यूब पर आते हैं और काम करके पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। ऐसे लोगों को मैं, मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ऐसे वॉच टाइम ग्रुप में जितने भी लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि वॉच टाइम हम आप लोग को बाय करके देंगे, आप इतने पैसे दे दो, तो उन पर भरोसा ना करें, और ख़ास करके इन पाकिस्तानियों पर तो बिल्कुल भरोसा ना करें। मैं खुद बहुत शर्मिंदगी के साथ कह रही हूँ ये बात, जबकि मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ, लेकिन बहुत शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि सबसे ज़्यादा लूट मार फ्रॉड मचाई हुई है हम पाकिस्तानियों ने। तो अभी जिस आईडी का मैं आपको बताने वाली हूँ वो एंड में उसकी मैं पूरी डिटेल दूंगी कि कौन सी आईडी है वो, क्या नंबर है। इस तरह ऐसे हज़ार कई आईडीज होंगी, हज़ार नंबर्स होंगे। वो बंदा है या बंदी है पता नहीं, लेकिन उसका नाम हीरो के नाम से है जस्ट कैश और इजी पैसा में। अब वो बंदा है या बंदी है डोंट नो, लेकिन आईडी उसकी बंदी लड़की के नाम से, और वो जो है ऐसे कितने लोगों को अब तक फ्रॉड उसने कर चुका होगा या होगी, वट एवर एल्स, आधे पैसे लेकर, पूरे पैसे लेकर उसके बाद ब्लॉक कर दिया जाता है। अपनी अपना नंबर जो है वो आधा आधा एक एक घंटे के लिए, एक एक दिन के लिए वो डीएक्टिवेट कर दे रहा है वो। उसके बाद फिर आता है, फिर किसी को बेवकूफ़ बनाता है, किसी को चूना लगाता है, फिर दोबारा उसको ब्लॉक करके अपना नंबर आईडी जो है डीएक्टिवेट कर देता है और फेसबुक मैसेंजर से उस बंदे को ब्लॉक कर देता है। तो ये इसका अब तक का पता नहीं कितने उसने इस तरह ऐसे पैसे कमा लिए होंगे, हराम के पैसे कमा रहा है वो बंदा बैठकर। अल्लाह ऐसे लोगों को निस्तो नाबूद कर दे, अल्लाह ऐसे लोगों को कहीं का ना छोड़े, दुआ है ये मेरी एक तरह से। और जो बेचारे इनके झांसों में आ जा रहे हैं, मैं उन सबसे ही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ बिल्कुल भी ना आए इन लोगों की बातों में, क्योंकि ये सब फ्रॉड करने बैठे हैं। ये दुनिया आजकल सिर्फ फ्रॉड के नाम से ही जानी जा रही है और कुछ नहीं। जलील और ख्वार हो जाते हैं ऐसे लोग जो बेचारे यूट्यूब पर आते हैं और वो उन लोगों को इस तरह धोखा दे रहे हैं। इनको खौफ खुदा का नहीं होता, बिल्कुल खौफ खुदा का, खौफ खुदा का, रसूल का, किसी का इन लोगों को खौफ नहीं है। इन लोगों के दिनों में ईमान नाम की कोई चीज़ नहीं रही है कि कोई गरीब के साथ भी कितना धोखा कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आगे से आगे ये वीडियो आप लोग प्लीज़ शेयर करें, ताकि जितने भी लोग हैं
जितने भी लोग हैं वो इस खास करके इस आईडी से बचें और बाकी और ऐसे तमाम लोगों से बचें जो वॉच टाइम के नाम पर धोखा दे रहे हैं कि हम आपको वॉच टाइम करवा के देंगे, आप पैसे दो। बिल्कुल बेवकूफ ना बने इन लोगों के हाथ। और ऐसे जितने भी बेचारे गरीब लोग हैं, मैं उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ ताकि किसी के साथ अगर धोखा आया तो मजीद आगे के किसी के साथ भी धोखा ना हो। ये वीडियो के स्क्रीन में अभी आप लोगों को इसकी आईडी, महानूर के नाम से इस बंदे की आईडी है, बंदा है बंदी आई डोंट नो, और इसका नंबर अभी आप लोगों को शो हो रहा होगा। इस नंबर से इसका इजी पैसा अकाउंट है, जैस कैश अकाउंट है, और उस अकाउंट पे नाम इसका हीरो के से है। आप लोग जितना हो सके इस आईडी को रिपोर्ट करें, इसकी कंप्लेन करें और इस नंबर को जितना हो सके निकलवाएं। वैसे आगे दे दी गई हैं, निकलवाने के लिए इसका एड्रेस लें, इसकी डिटेल निकालें, इस नंबर को जितना हो सके वायरल करें, इस वीडियो को जितनी हो सके वायरल करें ताकि आप लोगों के किसी और के साथ साथ आप सबके साथ भी मजीद धोखा ना हो, जो और लोगों के साथ ये बंदा या बंदी वॉट एवर जो भी है कर रहा है या कर रही है। प्लीज़ आप लोग अलर्ट हो जाएं इस नंबर इस आईडी से और बाकी ऐसे तमाम लोगों से जो वॉच टाइम के नाम पर धोखा दे रहे हैं। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है और ये पर्सनल रिक्वेस्ट इसलिए है क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से ये डिस्कस कर रही हूँ। तो हो सके तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को मेहरबानी करके लाजमी शेयर करें और इस आईडी और इस नंबर को पूरी आवाम तक पहुँचाएँ कि इसको लग पता जाए कि किसी के साथ धोखा करना इतना आसान नहीं होता। किसी की हक हलाल की रोजी रोटी को इस तरह ज़ाया करना आसान नहीं होता। लोग कितने मेहनत से पैसे कमाते हैं, ये सारी चीज़ें आसान नहीं होती। और इनको पता चले कि इनको अगर खौफ खुदा का और रसूल का खौफ हो तो ईमान, इनका अकीदा ईमान पक्का हो, ज़रा सा भी अल्लाह का खौफ हो तो ये ऐसे काम ना करें। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अल्लाह माफ़ करे, ऐसी आवाम हो चुकी है कि सिर्फ फ्रॉड में लगी हुई है। अगर ये अपना दिमाग थोड़ा और चला लें उन कामों में तो शायद ये हलाल के पैसे कमाने शुरू कर दें, लेकिन नहीं, इन लोगों को हराम कमाने का बहुत शौक है। अल्लाह ही हिदायत दे ऐसे लोगों को और रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो लाजमी शेयर करें, चैनल के साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।